गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों भाई आज चाचा जी की खेती किसानी में हम बताएंगे शलगम। और भाई पालक लगा के रखा है, कम से कम 1.5-2 एकड़ में लगा के रखा हुआ है पालक और शलगम और मूली। तो दिखाते हैं आपको भाई, आज चाचा जी स्मेल वगैरह दे रहे हैं उसको भाई, यूरिया वगैरह, तो आपको दिखाते हैं। दोस्तों सामने आप देख सकते हो, ये भाई मूली और शलगम भाई निकल रहा है, धीरे धीरे उग रहा है। तो भाई ये देखो मैल वगैरह दे रहे हैं, यूरिया वगैरह देख लो ये कितनी सफाई से दे रहे हैं। तो भाई इन सब्जियों के खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो वो चाचा जी बताएंगे आपको क्या क्या फ़ायदे हैं इन सब्जियों के। दोस्तों भाई यूरिया इसलिए देना पड़ता है क्योंकि भाई यो जो शलगम और मूली पालक निकल रहा है भाई, फसल को भाई थोड़ा ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए मैल वगैरह देना ही पड़ता है। ये देखो भाई जहाँ तक नज़र जा रही है भाई, देख लो मूली और शलगम ही लगा के रखा है। ये दोस्तों भाई पानी वगैरह भी लगा दिए फसल को, देख सकते हो भाई जो भाई ज़मीन है पूरी गीली हो चुकी है, तो भाई पानी वगैरह की भी आवश्यकता पड़ती है। आज ही पानी लगाया है तो इसलिए भाई यूरिया दे रहे हैं। फाइनली दोस्तों वहाँ पर पालक वगैरह को मैल दे लिया है। अब भाई ये देखो भाई जो गोभी वगैरह लगा के रखा हुआ है, और ये देखो पालक वगैरह, ये थोड़ा ग्रोथ रेट इनकी ठीक चल रही है, देख सकते हो भाई। इनको भी भाई यूरिया वगैरह दे रहे हैं जिससे ये काफ़ी बढ़ सकें। वैसे देसी मैल का भी काफ़ी उपयोग करते हैं। ये देखो दोस्तों भाई अभी लगने स्टार्ट नहीं हुआ है गोभी, तो भाई देख सकते हो यूरिया वगैरह देखकर ओके कर रहे हैं। बताएंगे फिर, करेंगे चाचा जी के साथ बात वगैरह। ये देखो भाई हरा धनिया, ये फ्रेंड भाई हरा धनिया भी लगा के रखा हुआ है खेतों में। ये देखो नहीं दोस्तों, चाचा जी ने मैल वगैरह देख के भाई ख़त्म कर दिया अपना सारा काम। चाचा जी बताओ पालक और मूली खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं अपने? अरे घर की फसल होती है तो उसके फ़ायदे होते हैं। इसमें कम से कम हम जो है दूसरी खादों का इस्तेमाल करते हैं, और जो है घर की जो देसी खाद भी होती है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। यूरिया की एक डोज हो गई है बस, अभी ज़्यादा देने की इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ जी ठीक है, अभी एक बार हम उसको घर का दूसरा देसी मैल देंगे, ठीक तो इसका अगर अच्छी फसल हुई तो 1.5-2 लाख रुपये बचा जाएंगे। ये अमरूद लगाया था, ये पिछली बरसात को लगाया था, ये लाल अमरूद है। ये दोस्तों देख सकते हो ये लाल अमरूद है, अभी छोटे छोटे अमरूद हैं। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े अमरूद हैं भाई, साइज़ चेक करो कितने बड़े बड़े हैं। ये देखो ये भी 12 महीने लगता है, 12 महीने लगता है लाल अमरूद है, और भाई हाइट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, देख लो भाई अमरूद, ये अमरूद। मूली खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं? अरे मूली तो अच्छा है, डॉक्टर साहब तो बोलते हैं कि पथरी के लिए अच्छी होती है, ठीक है भाई। और लोग इसको ज़्यादातर सलाद में इस्तेमाल करते हैं, कई पराठे भी खाते हैं मूली के पराठा। हाँ जी हाँ जी, ये भाई बहुत ही जो घर में कारीगर सब्जियाँ होती हैं सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है। सलाद वगैरह खाते हैं लोग, अभी जैसे पालक लगाया है, घर का पालक है 20 रुपये की मार्केट में, अभी गुच्छी मिल रही है। हाँ जी हाँ जी, तो जैसे ये तैयार हो जाएगा उस टाइम जो रेट थोड़ा डाउन हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, लेकिन फिर भी 15-10-15 रुपये तो आ ही जाएंगे। ओके जी ठीक है। तो दोस्तों भाई काम वगैरह करके चाचा जी रेस्ट वगैरह ले रहे हैं क्योंकि हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, सुबह से काम पर लगे हुए थे, तो देख लो भाई हालत क्या है। ये भाई अपनी खेती बड़ी है। फाइनली दोस्तों चाचा जी रेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो भाई आप देख सकते हो कि ये भाई लहसुन की फसल लगाई हुई है, देख लो भाई जहाँ तक नज़र जा रही है लहसुन ही लगा के रखा है। ये भाई जम्मू कश्मीर से लाया हुआ लहसुन है, इसमें जो कलियाँ लगती हैं ज़्यादा नहीं, 25-30 भाई लहसुन की जो कलियाँ लगती हैं इसमें एक गट्ठी में, तो ये भी काफ़ी अच्छी फसल है, तो ये भी साल का काफ़ी मुनाफा दे जाती है। इसी से दोस्तों मैं अपने आज के ब्लॉग का अंत करता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।